स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड सेल्फ केयर पर। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए कुछ ऐसी रेसिपी लाती हूँ जो आपके स्वास्थ्य के लिए हेल्दी हो, टेस्टी हो और कम समय में रेडी भी हो जाए। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नमकीन धनिया पुदीने की चटनी। ये चटनी हम लोग कई जगह यूज़ कर सकते हैं, सैंडविच में, भजिए में, कचौड़ी में, आलू बंडे और भी कई जगह हम इस चटनी का यूज़ कर सकते हैं। ये चटनी इतनी टेस्टी होती है कि जिसके साथ भी हम ये खाते हैं उसके टेस्ट को एनहेंस कर देती है। इस चटनी को बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस चटनी को बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या सामग्री चाहिए। इसके लिए मैंने आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर लिया है और काला नमक हम लोग स्वाद अनुसार लेंगे। ये मैंने पिसा अमचूर लिया है आधी चम्मच, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, हींग हम लोग स्वाद अनुसार हींग एक चुटकी लेंगे हम लोग। एक नींबू का मैंने रस लिया है, थोड़ा सा हम लोग लेंगे अदरक, दो हरी मिर्च लेंगे और थोड़ा धनिया पुदीना की पत्तियां लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग धनिया पुदीने की पत्तियां और हरी मिर्च और अदरक का पीस ग्राइंडर में डालकर इसको हम लोग इसको पीसेंगे और इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे जिससे इसको पीसने में आसानी हो। अब हम लोग बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये काला नमक, ये पिसा हुआ अमचूर, काली मिर्च पाउडर, ये जीरा का पाउडर, लाल मिर्च स्वाद अनुसार डालनी है। यदि आप तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है। ये धनिया पाउडर और हींग एक चुटकी लेनी है। और एक नींबू का मैंने रस लिया है, ये इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से पीस लेंगे। मैंने उन सभी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अब हम लोगों की नमकीन चटनी रेडी हो गई है। ये हम स्नैक्स के साथ में ले सकते हैं, टेस्ट में बहुत अच्छी होती है और तुरंत रेडी भी हो जाती है और बच्चे बड़े सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो लीजिए, तैयार है आपकी नमकीन चटनी। आशा करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और यदि आप आने वाली वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।